आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर मैं आपको कहूं कि आपने इस पृथ्वी में भगवान को, ऐसे भगवान को बताइए जो आप देखे हो, जिसे आपने महसूस भी किया हो, तो निश्चित तौर पर आप सिर्फ और सिर्फ पंच महाभूतों का ही नाम लेंगे। असली भगवान, जो असली देवता है, वो यही है। पानी, अग्नि, वायु, धरती और आकाश, यही वह भगवान है जिसके बिना आप जी नहीं सकते, और सबसे पहला भगवान भी आपका। याद रखिएगा, आपके असली माता पिता भी यही ही हैं, अर्थात आपके जो माता और पिता हैं, उसके भी माता पिता। आपके माता पिता भी तो पंच महाभूत से ही बने हैं ना, कि अलग से कोई चीजों से बना है, तो उनके भी माता पिता कौन हुए? पंच महाभूत हुए। पंच महाभूत अर्थात जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश तत्व, यही हुए सबके माता पिता। तो आपके असली माता पिता यही हैं, इन्हीं का आशीर्वाद आपको लेना है। इसमें से सिर्फ एक तत्व का बताऊंगा कि इस एक तत्व के महाचमत्कारिक आशीर्वाद से आप जिंदगी में वो चीज को पा सकते हैं जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, प्यार, बड़ी आसानी से। जी हाँ, वह एक परम तत्व है, जल तत्व। बाकी तत्वों का मैं विवेचना या फिर विश्लेषण बाद में करूंगा, अभी इस तत्व के जो शुद्धिकरण होता है उसे सुन लीजिए। इस तत्व के गुण को अपनाकर आप सोच भी नहीं सकते जिंदगी में उस तरह से चीजों को हासिल कर सकते हैं जिसे आप इतने दिनों तक रो रहे थे, तड़प रहे थे, चाहे प्यार, मोहब्बत, धन दौलत, रुपए पैसे आपके कदम चूमेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको प्यार के लिए बताऊंगा, प्रेमिका के लिए बताऊंगा, पत्नी के लिए बताऊंगा। एक तरह से उसे अपने प्यार में इस तरह से कर सकते हैं कि बड़ी आसानी से उसे अपना बना सकते हैं। करना क्या है? पानी जो होती है, जल तत्व जो होती है, वह सदैव सबके लिए सहज और सुलभ हो जाती है। सहज और सुलभ उसके लिए जो उसके पास जाता है, अर्थात प्यासा जब पानी के पास जाता है तो कभी मना नहीं करता पानी की, मैं आपको नहीं दूंगी। किसी भी व्यक्ति को मना नहीं करता जो उसके पास जाता है। बस इस गुण को अपनाना है आपको कि कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, यही वह गुप्त रहस्य है, कि कोई भी व्यक्ति आपके पास आए तो उसे कभी भी मना नहीं करना है। ध्यान से सुन लीजिए एक बार और, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सहायता के लिए आपसे आए, आपके पास आए, तो उसे मना नहीं करना है। जितना हो सके आपसे, जितना हो सके निस्वार्थ भावना से उसकी मदद करना है। इस गुण को अपनाना शुरू कीजिए। उसके बाद आप जब भी पानी पिए, जल में जब भी आप जल को ग्रहण करें तो सामान्य रूप से ना करें। वह एक विशिष्ट तत्व है, एक चमत्कारिक और दिव्य अमृत जीवन देने वाली शक्ति है। उसे सबसे पहले अपने हाथों में रखकर उसका धन्यवाद करके अपनी प्रेमिका का 11 बार नाम लेना है, उसे देखना है, जल को देखना है, ग्लास में पानी रखकर, हाथ में रखकर धन्यवाद देना है और उसके बाद उसे पी जाना है। जब प्रेमिका का नाम लेंगे उस समय पानी में प्रेमिका के चेहरे को कल्पना करना है, फिर पीना है उसे। उसी तरह से आप सोच भी नहीं सकते कि जल के इस शक्ति से आप ऐसी चीज को पा लेंगे जिसके लिए आप जिंदगी भर बेचैन थे या फिर रो रहे थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद देख सकते हैं कि आपके शरीर में 72 से 71% लगभग, मैं बता रहा हूं, जल ही होता है, और यह तो साबित वैज्ञानिकों ने भी कर दिया है। तो इस उपाय को करिए, सिर्फ फायदा मिलेगा, नुकसान तो कहीं होगा ही नहीं। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं।